एक तरफ जहां कांग्रेस ने राम मंदिर से मिला न्योता ठुकरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भगवान राम को लेकर कुछ अलग ही बयान देते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को धार देने में जुटी कांग्रेस ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मेरठ में पीएल शर्मा स्मारक हॉल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों का पश्चिम जोन का प्रादेशिक संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने संवाद में कहा कि राम के घर का न्योता कोई नहीं लाता, उनका तो बुलावा खुद ही आता है। मंच की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं, हम सब राम के वंशज हैं। राम को लेकर जो सम्मान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के मन में है, वही इमरान मसूद के मन में भी। लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं। ये राम को लाने वाले कहां से हो गए? हमें जाकर के नए दिन के ऊपर बात करनी है कि राम के हम मानने वाले हैं, लेकिन आरएसएस के आयोजन या इस भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजन है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रचार हमारे प्रति किया जाए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि राम को लाने वाले ये कौन है, ये नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक सप्ताह में 5 गांव में संवाद हो। इमरान मसूद ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इसे देखें, निगाह रखें। आगाह किया कि वोट काटने की राजनीति हो रही है, इनसे सावधान रहें। आधार से वोटर कार्ड को लिंक कराओ, ऐसे में बीएलओ चाहकर भी आपका वोट नहीं बदल पाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला, अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।